गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आपके सामने रूबरू करवाने जा रहा हूं एक ऐसी हस्ती को जिन्होंने इसका में 91 मार्क्स स्कोर किए। तो इनका नाम मिस्टर अनुभव है। मिस्टर अनुभव, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मेमोरी क्राफ्टर्स। आपने 91 मार्क्स इसका में स्कोर किए उस पेपर में जिसमें बच्चे 40 के बारे में सोचते हैं, तो आपने ये चीज कैसे करी थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को? सर, ये मैंने बेसिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करी अपनी स्टडीज़ में, डेली रिवीजन किया, जो भी मैंने क्लास ली थी तो आपसे, तो क्लास में जो भी आपने पढ़ाया डेली उसे रिवाइज किया, आप टेक्स्ट को भी 2-3 बार रीड किया और पीएम को भी रेफर किया, पर बेसिकली कंसिस्टेंट रिवीजन थी जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर कर पाया। तो आपने कंसिस्टेंस रिवीजन की, बार बार उसको रिवाइज किया, तो इसमें आपने जैसे कोई भी जैसे इसको करना है तो आपने कौन कौन से क्या क्या यूज किया स्टडी मटेरियल, और एग्जाम अपना क्लासरूम के बाद कितना टाइम दिया, डिवोट किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? तो सर, मैंने क्या किया कि डेली जो प्रीवियस क्लास में हुआ है उसे रिवाइज किया। मैं मेट्रो से ट्रैवल करके आता था और मुझे रफली 30 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होता था, तो उसमें मैं प्रीवियस क्लास रिवाइज कर लेता था और क्यूमुलेटिव रिवीजन मेंटेन करता था। मतलब अगर 22 डेज की क्लासेस हैं तो सेकेंड डे फर्स्ट क्लास रिवाइज करता था, थर्ड डे फर्स्ट एंड सेकेंड करता था, और 22nd डे तक मैं फर्स्ट क्लास को भी रिवाइज करता रहा। तो लास्ट डे तक आते आते फर्स्ट क्लास की तो 22 रिविजन्स हो चुकी थी, तो इस वजह से कोई फोबिया नहीं रहा और ये पता चल गया कि रिवीजन बहुत ही क्विकली हो सकती है। सारे पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन पेपर देखते ही पहले 15 मिनट में रीडिंग टाइम में ही आ गए कि इन्विजिलेटर से छुप के पेंसिल से लिख लिया था पेपर पे। तो आपने कहा कि पहले लेक्चर से लेकर 24 लेक्चर तक, जैसे कि हमारे 24 लेक्चर लगते हैं, 24 लेक्चर तक आपने उसको बार बार रिवाइज किया, कम्युलेटिव रिवीजन किया। तो आप जैसे हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट हो गए, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कोस्टिंग हो गया, डीटी हो गया, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे उनको करने के लिए? सर, जो मेमोरी टेक्निक्स है उसके बाद वन डे इनफ होता है। सारे 8 चैप्टर्स थे तो सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज ईजिली हो जाते हैं, तो फियर होता ही नहीं है। इनफैक्ट टाइम बच जाता है पेपर्स के पहले कि और सब्जेक्ट्स को टाइम दे सके। गुड। तो एक क्वेश्चन बच्चों का ये आता है, बच्चे ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप आज के टाइम में हम बहुत चीजों से डिस्टर्ब होते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फोन हो गया, व्हाट्सएप लगा लो, फेसबुक लगा लो, इन चीजों से कैसे डील करते थे आप, और आपने कोई स्पेशल टारगेट रखा था इस सब्जेक्ट के ऊपर, या फिर ऐसा क्या किया आपने, आप किस तरीके से प्लान करते थे पूरा, थोड़ा सा बताएंगे? सर, जहाँ तक ये सोशल मीडिया और मोबाइल की बात है तो मैं ये मानता हूँ कि उसके साथ भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है क्योंकि बहुत फ्रेंड्स ने किया है मेरे। तो आप बच्चों को एक गलत एडवाइस मत दें बल्कि सर, बट पर्सनली मैंने नहीं यूज किया है कभी भी। अच्छा, लास्ट 3-4 इयर्स मुझे हो गए हैं मैंने फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप भी आज तक यूज ही नहीं करता हूँ मैं। तो इनफैक्ट पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशली एक हाइक डाला हुआ है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए। तो बट मैं अभी भी, मेरे को लगता है कि अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन हो तो स्टडीज के साथ बहुत मेरे फ्रेंड्स ने स्कोर किया है। और सेकंड क्वेश्चन सर आपका कि इसके लिए स्पेशल क्या क्या किया आपने? सर, स्पेशल मैंने सेट किया था या क्या किया था कि इसका में मुझे 91 लाने हैं? या सर, ऐसे 90 का टारगेट सेट नहीं किया था, बट मैंने इतने थॉरली हर चीज को रिवाइज किया जो क्लास में हुआ कि चैप्टर्स छप गए थे दिमाग में, कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता था कि क्या आंसर मांगा है, क्योंकि बहुत बार हम क्वेश्चन का गलत आंसर लिखाते हैं, सारे पॉइंट्स ही गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए जो चार्ट्स होते हैं उनको यूज किया, पीएम को यूज किया, पीएम में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में गिवन है सारा, तो उससे समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट को क्या आंसर्स रिक्वायर्ड है। जैसे हम दो चीजें होती हैं, अपन एक मेमोरी की ओर ध्यान देते हैं और एक टेक्स्ट बुक की ओर ध्यान देते हैं, तो इन दोनों की बैलेंस अप्रोच में आपने सिर्फ मेमोरी करी, टेक्स्ट बुक करी, दोनों को साथ किया, किस तरीके से ये अप्रोच यूज करी आपने?
सर सबसे पहले तो मैंने मेमोरी पे ध्यान दिया क्योंकि पॉइंट्स पता होंगे तभी हम फ्री माइंड रख पाएंगे कि हम टेक्स्ट को पढ़े समझे कोई डाउट आ रहा है तो क्लियर कर ले. तो पहले जब मेमोरी के सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद हो गए उसके बाद मैंने 2 to 3 रीडिंग्स थोरो टेक्स्ट को दी थी तो वो फिर इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं समझ में आता है फिर. गुड. अब जैसे आपके सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं तो आप इनको 8 सब्जेक्ट तो इनको बैलेंस कैसे करते थे और एग्जाम तक इसका के एग्जाम तक जैसे ही अपना 6th एग्जाम होता है तो 6th एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते तो आपने जब 6th एग्जाम दिया तो एग्जाम से एक दिन पहले किस तरीके से मैनेज किया आपने इसके बारे में थोड़ा सा बताओ. सर एक दिन पहले सबसे पहले मैंने यही किया क्योंकि टेक्स्ट को मैं एग्जाम्स चालू होने के पहले थोरो रीडिंग्स दे चुका था तो उस टाइम में आई मेड श्योर कि सारे पॉइंट्स मुझे याद हो तो मैंने जो आप निमोनिक्स या स्टोरीज से लिंकिंग करा के हमें पॉइंट्स याद कराते हैं मेमोरी क्राफ्टर्स में मैंने सारे चैप्टर्स के वो पॉइंट्स याद कर लिए. उसके बाद एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी थी आपने उसके अंदर पीएम के भी आपने क्वेश्चंस बताए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट है तो उन क्वेश्चंस को मैंने जितना टाइम बचा उस हिसाब से उनका टेक्स्ट पढ़ना चालू कर दिया. पहले रीडिंग दे रखी थी तो वो फिर ये प्रोसीजर हो गया कि जितना टाइम बचा है उसमें जितना टेक्स्ट लास्ट डे पढ़ ले वो अच्छा है. तो आपने जो इम्पोर्टेंट की लिस्ट करी थी वो कितनी बार रिवाइज करी थी एग्जाम तक करी थी एग्जाम से पहले कितनी बार करी या पहली बार ही एग्जाम में उठाई थी मुझे एक बार 3 चीजों का बताइए. एक तो अपनी मेमोरी बुक एक अपनी टेक्स्ट बुक एक इम्पोर्टेंट की लिस्ट तो तीनों के बारे में बताओ कि आपने कितनी कितनी बार रिवाइज किया. सर मेमोरी बुक तो जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट चैप्टर तो 22 टाइम्स क्लास के टाइम ही रिवाइज हो गया 22 डेज में. ओके तो मेमोरी बुक तो मेरी बिल्कुल थोरो हो गई थी उसके मतलब अगर क्वेश्चन है तो चार्ट दिमाग में आ जाता है चार्ट में इमेज आ जाती है किधर सर ने अपने चार्ट में बना रखा है तो मेमोरी बुक तो उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद मेरे पेपर्स में 2 to 3 मंथ्स थे तो बीच में मैंने 1 month के गैप पे फिर एक और बार 1 month के गैप पे किया. टेक्स्ट को मैंने बताया मैंने 2 to 3 टाइम्स पढ़ा. 2 से 3 बार बुक को एग्जाम से पहले पढ़ चुके थे. एग्जाम के पहले एग्जाम में फिर एक बार पढ़ा. सर एग्जाम में मैंने पहले मेमोरी बुक से सारे पॉइंट्स करे. Good. उसके बाद क्योंकि उस दिन पर्टिकुलर उस दिन टेक्स्ट पढ़ने का पूरा टाइम नहीं होता तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या पीएम में जो मैंने मार्किंग्स कर रखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वो लिस्ट को रेफर करके उस दिन लिस्ट को उठा के रीड किया. गुड. और लिस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अपने 150 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने कितनी बार एग्जाम से पहले कर चुके थे. सर मैंने पर्टिकुलरली लिस्ट को एग्जाम के पहले नहीं किया मैंने सारा टेक्स्ट अच्छे से किया सारे टेक्स्ट कर लिया था एग्जाम से पहले फिर आपने सॉरी एग्जाम फिर आपने एग्जाम वाले दिन जो है इंपॉर्टेंस को क्योंकि उस दिन सारा टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं है बट इतना टाइम होता है कि सारी मेमोरी कर ले सारी मेमोरी टेक्निक से मेन पॉइंट्स हम पढ़ ले. और एक था कि आपने जो एग्जाम के अंदर जो प्रेजेंट किया तो उसकी लेंथ कितनी थी कि आपने कितना उसको एक्सप्लेन किया जैसे अब मान लो 6 नंबर का एक पूछा गया है तो उस 6 नंबर में कितने पॉइंट्स लिखे 4 में कितने लिखे या 5-5 वाले जो अपने 4 कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपने कैसे किया इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. तो सर मैंने पॉइंट्स क्योंकि हमारे लिंक थे तो मैंने मार्क्स देखे ही नहीं सारे पॉइंट्स तो मैंने सारे के सारे लिखे जैसे एक क्वेश्चन में मुझे याद है 13 पॉइंट्स थे 13 और मैं 13 के 13 रोहिणी वाला करके उसका कोड होता था और मैं 13 के 13 पॉइंट्स एज इट इज 1 to 1 लिख के आया. तो आपने उसके नीचे मेमोरी क्राफ्टर का नंबर डाला या नहीं कि उसके नीचे लिखना था ना आपको भी सोर्स मेमोरी क्राफ्टर 8826864836. और सर उस वो क्वेश्चन मेरे को जितना याद है 4 to 6 मार्क्स का था उसमें पूछे ही सिर्फ पॉइंट्स थे उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कोई थी ही नहीं. अच्छा तो मतलब विद इन 1 मिनट मैंने वो 4 मार्क्स स्कोर कर लिए. तो लेंथ की जहां अपने क्वेश्चन यहां पर मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं कि कम से कम हमारा 30-40 नंबर का पेपर ऐसा होता है कि जो बिल्कुल मेमोरी टेक्निक से ही मैच करता है. अगर हम उसमें 30-40 का बिल्कुल एग्जैक्ट लिख देते हैं तो उस 30-40 में से हमें 20 से 25 नंबर आराम से मिल जाते हैं. तो अनुभव ये जो बच्चों को ये अपनी क्लास की एक यूनिक फीचर है थोड़ा सा प्रमोशन भी कर दूं मैं आपके साथ. ठीक है अनुभव आपने एग्जाम जो दिया था तो एग्जाम के अंदर आप 100 में से 120 का अटेम्प्ट कर कर आए थे या कितने का अटेम्प्ट कर आए थे कि जो आप 91 मार्क्स लेकर आए.
सर मैंने क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट किए थे 120 के 120 सर 6 क्वेश्चंस करने होते हैं 6 क्वेश्चंस किए थे और बट मार्क्स वाइज 98 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था जितना मुझे याद है एक 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं किया था अच्छा और मैंने आंसर्स टू द पॉइंट लिखे थे पॉइंट्स तो सारे के सारे याद थे जो हेडिंग्स होती हैं और उनको अंडरलाइन कर दिया था साथ साथ और जो टेक्स्ट है वो जो आता था वो पॉइंट लिखा अपने आप कुछ भी नया मैटर क्रिएट नहीं किया तो अगर पिगी बैक का जो मैंने टेक्स्ट में रीड किया है वो ही लिख के आया अपने आप कुछ भी अपने आप क्योंकि पिगी बैकिंग जैसे वर्ड है तो हम कुछ सोच के सही नहीं सोच पाएंगे और इसका में आईटी में यही होता है कि हम अपने अपने आप सोचकर कुछ नहीं लिखते हमें अपनी अपना या तो उसको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ता है या फिर आपको पॉइंट्स तो बिल्कुल एज इट इज ही लिखने पड़ते अनुभव आफ्टर क्लास जो आपने क्लास कंप्लीट करी उसके बाद आपको ये कितना याद रहा इसको आपने कैसे मेंटेन किया इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर क्लास के अंदर आप वर्बली बुलवाते हो हमसे तो तब मैं फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करता था सिंसियरली आंसर करता था तो वो हमारी मेमोरी में रहता है तो क्लास के बाद मैंने अराउंड 1 मंथ बाद जब दोबारा उठाया हेडिंग्स पढ़ना चालू किया तो वो फ्लो बन जाता है तो मैंने क्लास के अंदर जो मैंने बताया एक हर दिन पिछला रिवाइज किया तो उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि क्लास के बाद कोई भी दिक्कत आती है उसको रिवाइज करने तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हमारे साथ मैम भी हैं सृष्टि सृष्टि मैम जो ये ऑडिट पढ़ाते हैं ऑडिट विद मेमोरी और विद कॉन्सेप्ट तो मैं चाहूंगा ये भी कुछ बातें पूछे इनसे वेलकम मैम ये करिए आप बात फर्स्ट ऑफ ऑल अनुभव वेलकम टू मेमोरी क्राफ्टर्स Thank you, ma'am. And to secure 91 marks in ISCA. देखो बच्चों को CA final के 8 subjects में सबसे ज्यादा risk ISCA से होता है वो कहते हैं कि अगर ISCA में 40 आ गए तो हम मतलब CA final clear कर जाएंगे और students को ये होता है कि और subjects में हम क्या करते हैं 60 मतलब 60 plus लेके आएंगे और हम ISCA को भी overall मतलब ISCA और subjects निकालेगी but आपका तो I think so ISCA अदर सब्जेक्ट्स को क्लियर कराएगी मतलब ओवरऑल मार्क्स 200 में आपकी हेल्प करेगी ये मैम मेमोरी क्राफ्टर्स की वजह से मैंने एक बार सर को कहा था कि हमें हम सोचते हैं कि जो हमारे स्पेशली ग्रुप टू के DT और GST सब्जेक्ट्स हैं उसमें अब 40s में स्कोर करने में भी अगर कोई प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि इसका में हम 60 स्कोर कर सकते हैं तो जो मेरे ऑफिस में सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि उनके टाइम पे इसका एक ऐसा सब्जेक्ट था कि उसमें होता है 40s आ जाए तो पास हो जाएगा ग्रुप किसी तरह बिल्कुल अब ऑपोजिट हो गया वो अब वही फाइनल में इसका और क्या कहते हैं IPCC या इंटर में कह लो EIS-SM जिससे बच्चे घबराएंगे जैसा देखा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके सब्जेक्ट है हमारे CA से मतलब IT आ जाती है इसमें जो CA से थोड़ा लिंक कम है यहां पे मैं आपको बता दूं अनुभव जो ICI ने इसका का सिलेबस 40% से ऊपर EIS-SM में डाल दिया है और 30% जो है वो IT जो उनकी पुरानी थी वो है और 30 IT से रिलेटेड ही यानी कि आपके इसका से रिलेटेड ही डाल दिया है तो ये लोगों के मन में है कि इसका रिमूव हो गया है रिमूव नहीं हुआ इसका शिफ्ट हो गया है फ्रॉम CA फाइनल टू CA इंटरमीडिएट यहाँ पर कुछ लोग इसको गलत इंटरप्रिटेट ना करें तो इसलिए मैं पहले कह दूं 100% नहीं आया जैसे कि आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी था आपका कंट्रोल था आपका ऑडिट था प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 आपका चैप्टर नंबर ये ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम था आपका चैप्टर था एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये चैप्टर लगभग पूरे के पूरे ही EIS-SM के अंदर आ गए हैं तो वैसे ही सेम हम बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट और विद मेमोरी यहाँ पर अनुभव आपके साथ हमने 24 दिन लगाए पर उनके साथ हम 55 डेज लगा रहे हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट और मेमोरी दोनों कवर कर रहे हैं क्योंकि उन बच्चों का लेवल आप जैसा लेवल नहीं है तो इसलिए हम उसको दोनों कवर कर रहे हैं चलो हाँ अनुभव ये बताइए आपने कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर किया इसका की प्रिपरेशन के लिए ताकि स्टूडेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके प्रिपरेशन के लिए मैंने 3 चीज़ें रेफर करी फर्स्ट एक मेमोरी बुक जिसमें हम क्लास के अंदर स्टोरीज लिखते हैं जिससे हम हेडिंग्स लिंक करते हैं
तो वो मैं हमेशा कंप्लीट रखे नोट्स, सर क्लास में लिखने का भी टाइम देते हैं, उसी में कंप्लीट कर लिया था. सेकंड, सर ने एक टेक्स्ट बुक दे रखी है जो कि इनफ है, उसके अलावा कोई और मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने जो टेक्स्ट 2 से 3 बार पढ़ा वो मेन सर की जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ा. एंड थर्ड पीएम, क्योंकि पीएम से भी काफ़ी क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्ज़ाम में आए थे तो वो हेल्प करता है. और मतलब आपने इसका को कितनी बार रिवाइज किया बिफोर एग्जाम, क्लासेस और एग्जाम के बीच में आपने इसका को कितनी बार रिवाइज किया? मैम मेरा जो बैच था वो एग्जाम के 2 to 3 months पहले ओवर हुआ था, तो उसके पहले मैंने 2 thorough रिविजन्स किए थे. और मेमोरी बुक का मैंने जैसे सर को बताया तो वो क्यूमुलेटिव रिविजन्स के चक्कर में बहुत बार रिवाइज हो गया था, तो वो सारे हेडिंग्स टिप्स पे हो गए थे. तो यू कैन से कि आपने 2 या 3 बार पूरी इसका को रिवाइज किया बिफोर एग्जाम. ओके, तो जब पेपर देने गए थे तो आपने उसकी प्रेजेंटेशन पेपर की कैसे की? तो मैम मैंने हर पेज पे जैसे क्वेश्चन 1 का ए है तो 1 का बी नेक्स्ट पेज पे लिखा, तो मेरी स्पेस बच गई थी. टू द पॉइंट मैंने सब कुछ लिखा, 98 मार्क्स का अटेम्प्ट किया एंड जो स्पेस बच गई थी आखिरी में बस 10 मिनट्स बच गए थे, उसमें मैंने फ्लो चार्ट से हेडिंग्स को समराइज कर दिया था. You can say आपने लास्ट में चार्ट से सारे क्वेश्चंस को समराइज कर दिया. सारे क्वेश्चंस का नहीं किया था, जो 10 मिनट्स थे उसमें हेडिंग्स अंडरलाइन कर दी जो अंडरलाइन नहीं करी हुई थी, और जितना टाइम मिला मेरे को उतना मैं फ्लो चार्ट्स बनाता चला. You can say आपने स्टिक टू द पॉइंट लिखा, स्टिक टू द पॉइंट लिखा और नीचे उसको समराइज कर दिया. नाउ माय वन मोर क्वेश्चन टू यू, जैसे आपने कहा कि मेरा एग्जाम 10 मिनट पहले कंप्लीट हो गया, इट वाज आल्सो सरप्राइजिंग, क्योंकि जहां तक पता चलता है कि 3 घंटे में बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं होता, वो कुछ छोड़ के आ जाते हैं कि हमारा इतना पेपर छूट गया, तो आपका 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कैसे हुआ? मैम उसका यही रीजन है कि मैंने कोई भी चीज खुद क्रिएट नहीं करी पेपर में, मैटर सारा टेक्स्ट जो है वो जो पढ़ा हुआ था वही लिखा. तो जो सर ने बताया कई पॉइंट्स तो सिर्फ पॉइंट्स लिखने के मार्क्स हैं, तो वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो जाते हैं. 6-6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें 12-13 पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैंने पहले 15 मिनट्स में पेंसिल से नोट कर लिया था कि कौन सी लिंकेज है, कौन सी स्टोरी है. तो जब क्वेश्चन आंसर करना चालू किया ऐसा भी हुआ कि 2-3 मिनट्स में 4-6 मार्क्स स्कोर कर लिए. तो आई थिंक सो यहाँ भी आपकी मेमोरी टेक्निक्स ने काम किया होगा, अदरवाइज आपकी अगर आपको ये पॉइंट्स याद ना होते, मेमोरी टेक्निक ना होती, तो आप शायद एक क्वेश्चन को लिखने में 10 मिनट लगाते और जो 2 मिनट में आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ऐसा हुआ होगा. तो जो मेमोरी टेक्निक ने टाइम बचाया वो टाइम मैंने डिवोट कर दिया जिस क्वेश्चन में टेक्स्ट पूछा है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वो हेडिंग्स दे के पूछते हैं व्हाट डज दिस मीन, तो उस केस में टेक्स्ट पता होता है, पता होना चाहिए आंसर लिखने के लिए, बट क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो हम जल्दी लिख देते हैं तो उसके लिए टाइम मिल गया कि वहां पर मैं अपना मैटर लिख लूं. अनुभव यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक्चुअल में अपना फेस टू फेस क्लास है तो हालांकि अपने पास पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं पढ़ने, कोलकाता से आते हैं, जयपुर से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, जो बच्चे नहीं आ पाते, जो अपनी क्लास नहीं ले रहे या जैसे भी है, आप उनको किस तरीके से गाइडलाइंस देंगे, गाइड करेंगे कि वो इसका में अच्छा स्कोर करें इस एंगल से कि वो अपने स्टूडेंट नहीं है और वो कैसे इस चीज को प्रिपेयर करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? सर मेरे केस में तो मेमोरी टेक्निक्स ने मेजर रोल प्ले किया है, जो स्कोर किया है मैंने उसके लिए मैंने एम नहीं किया था 90 के लिए, बट फियर खत्म हो गया तो वो एक मेन पार्ट होता है. बट अगर कोई आपसे क्लास नहीं ले पा रहा है तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले पॉइंट्स याद हो, क्योंकि पॉइंट्स याद होंगे तभी हम टेक्स्ट लिख पाएंगे. सेकेंड, अगर सर की बुक, सर आपकी बुक मार्केट में मिल जाती है तो सर की जो बुक है उससे टेक्स्ट पढ़े, क्योंकि सर ने जो टेक्स्ट दिया है वो इनफ है, उससे ज़्यादा या कम नहीं चाहिए. एंड फिर उसके बाद पीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पीएम से आते हैं और दूसरा क्वेश्चन किस क्वेश्चन का क्या आंसर करना है वो पीएम से पता चल जाता है. यहाँ मैं इस चैनल के थ्रू अनुभव ये बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हम जो 150 की एक लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ फाइनल के, वो अपने हेल्पलाइन नंबर से कभी भी ले सकते हैं, चाहे वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है. वो लिस्ट अपनी एग्ज़ाम से 1 month पहले आती है और बाई गॉड ग्रेस 90+ का पेपर उसमें से आ जाता है.
और मैं बच्चों को एश्योर करता हूं कि 70 की मैं गारंटी देता हूं कि 70 का तो पक्का आएगा ही आएगा, तो आप अपनी यानी कि 50% कवरेज में से 70 मार्क्स का पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इस चैनल के थ्रू बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप उस लिस्ट को जरूर ले लिया करें एग्जाम से 1 मंथ पहले। वो मेरा फिक्स है कि एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम होता है उससे 1 महीना पहले लिस्ट आउट होगी, तो वो उससे पहले, ताकि उससे पहले मुझे तंग ना करें, इसलिए मैं उसकी लिस्ट की एक फिक्स डेट रखी हुई है एग्जाम से 1 मंथ पहले, ठीक है। वो आप हेल्पलाइन से ले सकते हैं सभी बच्चे। और मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैम आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, ये तो आपके पास मेमोरी टेक्निक्स थी, जिनके पास मेमोरी टेक्निक्स नहीं होती, अगर उनको एक दिन पहले प्रिपेयर करना हो इसका, तो वो कैसे प्रिपेयर करें? मैम ये मेरे लिए इमेजिन करना टफ है, बट क्योंकि जिन फ्रेंड्स ने नहीं किया था मेमोरी टेक्निक से, वो एक दिन में सारा टेक्स्ट नहीं कवर कर पा रहे थे, तो ये थोड़ा टफ है बताना मेरे लिए। तो मतलब मेमोरी टेक्निक्स ने, मतलब मेमोरी क्राफ्टर्स ने आपका काफी कंट्रीब्यूशन किया है 91 सिक्योर करने में। मैम मैंने बताया मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन ही उसका है कि मेरे को बाकी के 3 पेपर में टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका की वजह से। अनुभव यहाँ पर आप मुझे बताएंगे आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया, उनका क्या रोल है, थोड़ा अपने मदर और फादर के बारे में इंट्रोड्यूस करें और वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है। सर मेरे फादर मिस्टर अजय गुप्ता वो एक बिजनेसमैन है और मेरी मॉम हाउसवाइफ हैं और पूजा गुप्ता मम्मी का नाम है, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया। मेरे क्लास के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है, पेरेंट्स की टिफ़िन रेडी करना, मेक श्योर करना कि टाइम से निकल जाए, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बिना ऑब्वियसली नहीं हो पाता। थैंक यू सर। यहीं पर ही ख़त्म करते हैं इसको। तो आपने अनुभव बहुत बच्चों को इसके बारे में बताया, होप्सो आप आने वाले टाइम में अपने जीवन में बहुत सक्सेस पाएं इसी विशेष के साथ। थैंक्स अलॉट एक बार फिर से अनुभव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बहुत बहुत, मैं कहूँगा कि मुझे भी प्राउड है कि मेरे को भी बहुत वेट थी, मेरे पास अनुभव 780 एग्जम्पशंस हैं फेस टू फेस, 780, 16 बच्चे 80 प्लस हैं, बट मुझे भी चाहिए था एक मेरा स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर करें, आपने स्कोर किया है। थैंक्स अलॉट अनुभव, थैंक यू मैम, थैंक यू।